Good morning, students. Today we start a new chapter for class 6, which is chapter number 11, motion and measurement of distance. ठीक है students? Then motion and measurement of distance, हम दूरी कैसे नाप सकते हैं, क्या motion होता है, कैसे चलते रहते कोई चीज़ें, कोई चीज़ें कैसे rest में रहती है, ये सब इस chapter में पढ़ेंगे. ठीक है students? तो let's start with measurements and its need. मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम एंड इवन टेम्परेचर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं हम उसको मेज़र करते हैं, मापते हैं. कैसे? उसकी लेंथ कितनी होगी, लंबाई, उसका भार, उसका एरिया, उसकी वॉल्यूम और यहाँ तक कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसको हम मेज़र करते हैं. ठीक है? अभी जो मेज़रमेंट है इस प्ले एक इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेज़रमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? बिकॉज दे आर यूजफुल इन डूइंग बेसिक टास्क सच एज, क्योंकि ये जो बेसिक टास्क हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं उसको करने में हेल्प करता है. कैसे? टू नो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, लेंथ ऑफ पाथ जॉइनिंग टू स्टडीज, टू सिटीज शुड बी मेज़र. आप क्या कह रहे हैं? जो दो शहर है उसके आपस में उसमें कितनी दूरी है, ये कितना उस पाथ में कितनी लंबाई है, ठीक है, ये जानने के लिए हम इससे हम उसे मेज़र करते हैं. इन दो सिटी का बीच की जो लेंथ है उसको मेज़र करें ताकि हम पता चल सके कि इस शहर से दूसरे शहर जब हम जाते हैं तो कितनी दूरी होगी, कितना किलोमीटर है ये शहर दूसरे शहर से. नेक्स्ट, व्हेन वी बाय ए पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम शॉप, द शॉपकीपर मेज़र्स लेंथ ऑफ द क्लॉथ. ऐसे ही हम जब एक कपड़े का टुकड़ा लेते हैं शॉप से तो क्या होगा, जो शॉपकीपर है वो पहले उस क्लॉथ को मेज़र करेगा. अगर हमें 1 मीटर चाहिएगा तो 1 मीटर क्लॉथ मेज़र करता है, 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो 2 मीटर. तो ऐसे जो शॉपकीपर है हमें मेज़र करके देता है, उस कपड़े के पीस को मेज़र करता है कि जितना आप खरीदना चाहते हैं. ठीक है? तो इसमें हेल्प भी करता है आपका. नेक्स्ट, व्हेन वी बाय ग्रोसरीज फॉर मार्केट, शॉपकीपर मेज़र इट्स वेट. अब जब हम ग्रोसरी खरीदते हैं मार्केट से, अब आपके फल सब्जियां खरीदते हैं तो शॉपकीपर उसका वज़न नापते हैं, वेट. कैसे? अगर आपको 1 किलो अनार लेने हैं, आधा किलो लेने हैं अनार, कितना, या फिर सब्जी आपको कितने किलो लेनी है, 500 ग्राम, 250 ग्राम, कितना ग्राम लेनी है, वो सब आपको शॉपकीपर वज़न करके देता है और उसी हिसाब से फिर आपको प्राइस बताता है. ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, टू नो ए पेशेंट बॉडी टेम्परेचर. अब एक मरीज का टेम्परेचर तापमान कितना है उसको जानने के लिए भी हम मेजरमेंट करते हैं. कैपेसिटी ऑफ योर कंटेनर. अब आपके कंटेनर या फिर आपको कोई भी सामान रसोई में आप रखते हैं तो देखते हैं आपका ये कंटेनर कितना, जैसे 5 kg कंटेनर, तो 5 kg का कंटेनर उतनी ही कैपेसिटी होगी, वो 5 kg का सामान अपने अंदर रख सकता है. नेक्स्ट, टू मेक टेक मेडिसिन इन प्रॉपर अमाउंट. जो आप दवाई लेते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, नहीं जैसे आपको डॉक्टर देता है ना कि आपको 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को लेनी है, 2 टैबलेट दोपहर में लेनी है, ऐसे तो प्रॉपर अमाउंट में जो मेडिसिन है वो मेजरमेंट करके लेते हैं आपकी. ठीक है? नेक्स्ट, मेजरमेंट इज़ डिफाइंड एज आल्सो कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वान्टिटी विद सम नोन फिक्स क्वान्टिटी ऑफ द सेम काइंड. अब क्या कह रहे हैं? जब कंपेरिजन, आप तुलना करते हैं क्वांटिटी की, मतलब जो क्वांटिटी आप नहीं जानते उसकी तुलना करते हैं विद सम फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, उसी काइंड की फिक्स क्वांटिटी. आप मान लो आपको 1 किलो अनार लेना है तो 1 किलो अनार का, 1 किलो अनार के बाद आप एक भार रखते हैं, बाट रखते हैं. ठीक है? फिर उसको 1 किलो चीज़ को मेज़र करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता, आप अननोन चीज़ रख रहे हैं और उसके साथ एक नोन क्वांटिटी रख रहे हैं. हाँ भाई, अभी नो आपको ये पता है कि ये चीज़ 1 kg की है और जो आप फ्रूट ले रहे हैं आपको ये नहीं पता कि 1 kg है उससे ज़्यादा है, तो आप उसको नापने के लिए मेज़र करते हैं. ठीक है? एनी क्वांटिटी कैन बी मेज़र इन फिज़िकल क्वांटिटी. अब क्या कह रहे हैं? फिज़िकल क्वांटिटी में हम किसी चीज़ को माप सकते हैं, नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. फिज़िकल क्वांटिटी मतलब भार से, जैसे लेंथ भार से आप कर सकते, मास किसी का भार, टाइम समय, टेम्परेचर और कितनी स्पीड है एक्सेट्रा आर सम क्वांटिटी दैट कैन बी मेज़र्ड, दिस आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब लेंथ है, भार से डिस्टेंस नाप सकते हैं किसी चीज़ की, भार भी आप भार से नाप सकते हैं, समय, टेम्परेचर और स्पीड भी आप सबकी भार से नाप सकते हैं, इसलिए इन्हें फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब मेजरमेंट की यूनिट क्या क्या होती है? इस मेजरमेंट कंसिस्ट, जितना भी मेजरमेंट है क्या कंसिस्ट करता है? नॉर्मली एक नंबर और एक यूनिट कंसिस्ट करता है. तो नंबर क्या होगा? ए नंबर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजर, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसमें आपको बताएगा. और जो यूनिट होती है इन विच क्वांटिटी इज मेजर, क्वांटिटी को मेजर किया, यूनिट कैसे, मतलब 1 किलो, 2 किलो, आपको 500 ग्राम, 250 ग्राम, ये सब यूनिट में आते हैं.
ए फिक्स क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट। अब मैंने आपको बताया था ना एक फिक्स क्वांटिटी, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी जैसे आप 100 किलो जाते हैं तो 100 किलो का भार रखते हैं अगर आपको 1 किलो की चीज़ लेनी है, ताकि उसको बराबर देख सके, ठीक है। इस वजह से आपको एक चीज़ के बारे में पता है तो कि हमें पता है हाँ ये एक ये चीज़ भार 1 किलो का ही है टोटल, और दूसरी चीज़ को हमें नापना है, तो इसे क्या कहेगी, आपकी यूनिट कहलाई जाती है। इन एशियन टाइम्स पीपल मेजर्ड लेंथ बाय कंपेयरिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विद लेंथ ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट सच एज हैंड स्पैन क्यूबिट फैथम एंड फुट एक्सेट्रा। अब क्या कह रहे हैं, पहले के ज़माने में जो लोग हैं वो जो कंपेयर करेंगे लेंथ, किसी चीज़ को मेज़र करना हो, किसी चीज़ को मेज़र करना होता तो हमारे शरीर के किसी बॉडी पार्ट हिस्से की मदद से हम उस चीज़ को नापते थे। कैसे, हाथ की मदद से। अब देखो हाथ इतना हाथ होगा तो अभी कहते थे एक बिलांद हाथ हो गए तो ये चीज़ इतनी हो गई, क्यूबिट के आपके कोने से आम तक की जो चीज़ें होंगी उससे फैथम या फुट आपके पैर का सारा लेकर भी आप चीज़ों को नापते थे। कैसे, हैंड स्पैन इज डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द थम एंड टिप ऑफ लिटिल फिंगर टू फुली स्ट्रेच हैंड। अब ये देखो फुली स्ट्रेच हैंड, थम से जो लिटिल फिंगर आपकी ये वाली, इससे आपको नापते थे हैंड स्पैन। आप ऐसे देखते थे यहाँ से यहाँ, अब ये चीज़ आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो कि मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक क्लिक करके डिस्टेंस ये आपका हैंड स्पैन के अंदर आएगा। क्यूबिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड एल्बो। मिडल फिंगर, बीच की जो फिंगर होती है आपकी मिडल फिंगर, उससे आपकी कोहनी तक का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो सब आपका किसके अंदर आएगा, क्यूबिट के अंदर आएगा, आपकी कोहनी से मिडल फिंगर तक, ठीक है, आप उससे नाप सकते हैं किसी चीज़ की डिस्टेंस। फैथम इज लेंथ ऑफ आउटस्ट्रेच आर्म। आप जब सीधा हाथ करेंगे आउट से दोनों हाथों को फैलाएंगे दोनों साइड में तो देखेंगे इसे फैदन बनेगी, तो आप इससे भी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन फुट स्पेस एंड थैम भी दूसरे तरीके हैं यूनिट के लेंथ बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट, जिससे आप दूसरे बॉडी पार्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। हावेवर लेकिन दीज यूनिट्स आर नॉट रिलेबल एज लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरीज, ठीक है। लेकिन ये जो आपके हैंड स्पैन कूबिड और फैथन है, आप इन यूनिट को रिलायबल मतलब आप इससे पूरी तरह से निर्भर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखते हैं हर इंसान की हाइट अलग होती है, किसी का हाथ छोटा होता है लंबा होता है, किसी कोनी और हाथ की जो लंबाई होती है वो छोटी होती है, मतलब हर पर्सन टू पर्सन जो वेरीज करती है लेंथ, ठीक है, इसलिए आप हम इस यूनिट्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकते। इसलिए पीपल रिलाइज नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसलिए पीपल ने लोगों ने ये रियलाइज़ की ये जाना कि हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है मेज़रमेंट के लिए, जो सबसे सही मेज़रमेंट आपको देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स योर टूडेज होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू राइट डाउन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक, विच इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई डू वी नीड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों रहती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेज़रमेंट, व्हाई डू वी नीड मेजर क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डज ईच मेजरमेंट कंसिस्ट, जो ईच मेजरमेंट है क्या कंसिस्ट करता है। यू हैव टू राइट अप दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।